आज पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठक रविंद्र हॉल में बुलाई गई और उसमें साथ ही में हम सब ने ये ठाना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। तो इसी क्रम में छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी राजा कोल्हापुर कुर्मी राजा थे उनकी जयंती को मनाने का भी प्रण किया गया और आज आपने देखा भी है कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये बड़ा संदेश भी है कि इस बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए और उनकी विचारधारा को लागू करने के लिए अपने हाथों में सत्ता की चाबी लेने जा रहे और इसके लिए कमर कस चुकी है बहुजन समाज पार्टी। और आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताया जाएगा, उन्हें काम दिया जाएगा कि आगे कैसे काम करके जो हमारे बहन जी का 23 तारीख का जो हम लोगों को निर्देश मिला 23 जून का और उस 23 जून के निर्देश को पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे अमली जमा पहना करके महापुरुषों की विचारधारा को गांव गांव में ले जा करके और ये बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों की सच्चाई को बताना पड़ेगा, उजागर करना पड़ेगा। ये दोनों पार्टियाँ दोनों ग्रुप ये दोनों सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लिए लोग के लिए बातें करते हैं लेकिन बहुजन समाज के हित के लिए बातें नहीं करते। जबकि बहुजन समाज पार्टी है बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों की विचारधारा बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू किया जाए लेकिन ये लोग लागू नहीं करते, ये बातें लंबी लंबी करते हैं। और आपने देखा भी है कि जिस तरह से इस समय बजट का सत्र चल रहा है और उस बजट सत्र में आपने देखा कि बहुजन समाज के लिए कुछ भी नहीं, धरना सेठों के लिए बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ है लेकिन बहुजन समाज के लिए कुछ भी नहीं। सोना सस्ता कर दिया गया लेकिन आटा दाल चावल किताबें महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी ताकि किताबें जो बहुजन समाज के बच्चे पढ़ सकते हैं वो महंगी कर दो न ले सकें। तो इस तरह के तमाम चीज़ें इस देश के अंदर षड्यंत्र किया जा रहा है कैसे बहुजन समाज के लोगों को रोका जाए। इसलिए इसी आह्वान को लेकर के अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए और हमारे बहन जी के दिशा निर्देशों को बताने के लिए और अगला 2025 में हम कौन सी तैयारी करके आगे बढ़ेंगे उस सारी बातों को बताने के लिए आज की अहम बैठक बुलाई गई और उसी क्रम में आज बड़े ही धूम धमाके के साथ में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई और जिसमें हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर्चे पर प्रकाश डालने का काम किया। धन्यवाद।